हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चारू अशुभ का ड्राइवर के साथ था अफेयर। बौखलाए राजीव सेन, इस टॉर्चर के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इस वक्त के समय चर्चित पति पत्नी चारू अशुभ और राजीव सेन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर एक से बार फिर कई बड़े बड़े इंजाम लगाए, जहाँ चारू ने कहा कि राजीव ने उनके अफेयर होने का शक किया, वहीं राजीव कहते हैं कि वो कभी भी उसे मैं माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। राजीव सेन ने चारू अशुभा के रिश्ते में क्या और कौन सा मोड़ ले लिया है, ये किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। दोनों एक के बाद एक दूसरे को इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दोनों की एक छोटी सी बेटी भी है, लेकिन ये सोचे बिना तो वो बस अपनी ही धुन रख रहे हैं। एक इंटरव्यू में चारू अशुभा ने अपने पति राजीव के बारे में कही ये बातें। उन्होंने ये तब तक कहा, उन्होंने शक हुआ उनका चक्कर उनके ड्राइवर के साथ चल रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में चारू अशुभा ने अपने पति राजीव सेन पर घरेलू हिंसा, गर्भवती होने के दौरान उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मेरी बात सुनते भी नहीं, अब मैं बस मूव ऑन करना चाहती हूँ। अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता अब एक मजाक बन गया है, मैं नेशनल जोक बन गई हूँ। सुष्मिता ने भी कभी भी नहीं जोड़ दिया कि इसे चलाओ, जिस चीज में आपकी खुशी हो वो करो। उन्होंने कहा आगे बढ़ो, मुझे अब अपनी जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पति और मेरे माँ दोनों ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने राजीव के बैग में भी कुछ सामान देखा था, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो धोखा दे रहे हैं। राजीव ने पलटवार करते हुए कहा, कितने बीमार दिमाग है उसे मेरे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाने पड़े। वह हर समय वुमन कार्ड खेलना चाहती है, उसने अपना दिमाग खो दिया है और उसके लिए मेरा सारा सम्मान भी खो दिया है। उसके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन उसका अहंकार बहुत ऊपर चला गया है। मेरा पूरे परिवार उससे प्यार करता था और मुझसे ज़्यादा उसका समर्थन करता था, फिर भी इस तरह के शर्मनाक आरोप में उसके लायक नहीं हूँ। मैं उसे इस चीज़ का अपमान के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। बातचीत के दौरान राजीव ने चारू की मां नीलमा अशोभा के उन्हें भेजा गया था वायरस नोटिस के एक सीरीज की शेयर की। उन्होंने कहा, वायरस नोट में एक से एक टीवी एक्ट्रेस करण मेहरा के साथ उनका रोमांस है, जिसका खुलासा उनकी मां ने किया था। उन्होंने उनके एक रोमांटिक रील बनाई थी, वह मुझ पर उसे धोखा देने का, उस पर शक करने का आरोप भी लगाया था। हम किस दुनिया में रहते हैं हमको पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चलिए प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या आप भी चाहते हैं चारू अशुभा का डाइवोर्स हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप इन दोनों का रिश्ता बचाना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।